हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा रूरल रेसिपीज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं केसर मलाई रोल, जिसे हम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है। इसे हम क्रश करके कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। मावे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन चला जाए, बस उतना ही हम इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, मावा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, हल्का सा भुन भी गया है। अब हम यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बॉल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसके लिए अंदर के स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम इसी कढ़ाई में आधा कप नारियल का चूरा डाल देंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच घर की ताज़ी मलाई डाल रहे हैं हम। अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई ना हो तो आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मावा डालेंगे जो अभी हमने भून कर रखा था। साथ ही 2 चम्मच केसर वाला दूध डाल देंगे। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसमें येलो ऑरेंज जो कलर होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध में या पानी में घोलकर। साथ ही इसमें 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय लो ही है और हमें इसे लो फ्लेम पर ही हल्का सा चलाते रहना है जब तक ये बिल्कुल एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी एक डो जैसा तैयार हो चुका है, तकरीबन 1 मिनट ही मैंने इसे भुना है और ये देखिए एकदम डो जैसा तैयार हो गया है। अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और अभी मावा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से वापस मिक्स करेंगे। हमें इसका बिल्कुल एक डो जैसा तैयार करना है क्योंकि हमें इसका रोल बना रहे हैं। अगर आपको इसकी बर्फ़ी बनानी हो तो आप इस समय इसे सेट कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन रोल बनाने में इसे थोड़ा सा हमें इसको डो जैसा तैयार करना है, इसलिए हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। और ये देखिए डो जैसा तैयार हो चुका है। अब हम एक फॉइल पेपर ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसे इस तरह से फैला लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर बर्फ़ी सेट करें तो वो आराम से निकल आए। अब हम मावे का मिक्सचर लेंगे और उसे फॉइल पेपर पर रखकर इस तरह से एक शीट की तरह फैला लेंगे। इसकी मोटाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हम ये नारियल का मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे, इसे एक लॉग की शेप दे देंगे और इसे ये मावे की शीट के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसे रोल करेंगे इस तरह से एक साइड से उठाते हुए, और अब दूसरी साइड से उठाते हुए भी इसे हम पूरा जो हमने ऑरेंज कलर का जो लॉग बनाया है बिल्कुल इसे कवर कर देंगे और दोनों साइड से फॉइल पेपर को बंद कर देंगे और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे ताकि ये एक अच्छे से प्रॉपर शेप ले ले। और अब हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। ये देखिए इसकी एक प्रॉपर शेप आ चुकी है, अच्छा सा ये एक रोल बन चुका है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ पिस्ता लगा देंगे। पिस्ता हम सब तरफ लगाएंगे इसे इस तरह से घुमाते हुए, और अब हम इसे इस तरह से वापस रोल कर देंगे ताकि ये जो पिस्ता है इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा और काटते समय ये निकलेगा भी नहीं। और ये देखिए ये तैयार है। और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्ट है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हम इसमें से पतले पतले पीसेस कट कर लेंगे। और लीजिए हमारे केसर मलाई रोल बन कर के तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और इसमें 2 फ्लेवर्स हैं। इसमें अंदर केसर और मलाई का है और साथ ही बाहर इलायची का फ्लेवर है, तो ये बहुत ही बढ़िया हैं। और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।